हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर फाइन नाउ। एंड टुडे आवर सब्जेक्ट इज ग्रामर। इन ग्रामर आवर लेसन इज लेसन नंबर 11, एब्रीविएशंस। तो इट इज अ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या है? एब्रीविएशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म। हम बहुत सारे ऐसे वर्ड, ऐसे नाम होते हैं जिसका हम हमारे रेगुलर लाइफ में शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं और उसको हम लिखते भी शॉर्ट फॉर्म में हैं। तो हम आज जानेंगे ऐसे कौन से शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिसको हम उसका पूरा नाम नहीं लिखते और उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और हम इसके अलावा भी बहुत सारे, अगर आप अपनी लाइफ में देखोगे तो आपके आस पास बहुत ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ होते हैं कि जिसका आपको फुल नेम कभी शायद पता भी नहीं होता और हम उसको उसके शॉर्ट फॉर्म से ही जानते हैं। तो हम आज इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड अ एब्रीविएशन। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म जो है उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। मिस्टर, तो MR यानी MISTER, मिस्टर। देन है PO, तो पोस्ट ऑफिस। ENG का मतलब है इंग्लिश। RS का मतलब है रुपीस। MON का मतलब है मंडे। MG रोड का मतलब है महात्मा गांधी रोड। KG का मतलब है किलोग्राम। एंड JN का मतलब है जनवरी। दिस इज अ एग्जाम्पल फॉर यू एंड नाउ दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या दिया है। तो फर्स्ट है ST बस। ST बस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट बस। तो आपको यहाँ पे मैच करना है इसको। फिर है KM। तो KM का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे KM का मतलब होता है किलोमीटर। देन है DR। तो DR का मतलब क्या है? डॉक्टर। हम डॉक्टर जहाँ पे लिखते हैं तो डॉक्टर पूरा नहीं लगते, डॉक्टर का DR समथिंग जो नाम होता है, जैसे कि डॉक्टर अनिल, तो DR अनिल ऐसे लिखा जाता है। ओके, देन FEB है। तो FEB का क्या होगा? फेब्रुआरी। उसके बाद है, उसके बाद कौन सा है कि HIST, हिस्ट। HIST हिस्ट का मतलब हिस्ट्री। उसके बाद है WED का मतलब क्या है? WED मतलब वेनसडे। देन है FM। FM का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी रेडियो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद है SMT। SMT मतलब श्रीमती। SMT का मतलब है श्रीमती। तो इसको हम श्रीमती के साथ जॉइन मैच करेंगे। तो इस तरह आपको यहाँ पे मैच करना है। अभी नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज B, मतलब ये है हमारे पास और उसमें क्या है? राइट एब्रीविएशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी फॉलोइंग जो वर्ड है उसके एब्रीविएशन को लिखना है। तो यहाँ पे है जियोग्राफी, तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? GEOG। फिर फ्राइडे, तो फ्राइडे का हम क्या लिखेंगे? FRI। उसके बाद है अक्टूबर, तो अक्टूबर का OCT। देन है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का क्या लिखेंगे? SUB। फिर है प्लीज टर्न ओवर, तो प्लीज टर्न ओवर, तो क्या आएगा? PTO। हम जब कोई भी पेज लिखते हैं तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए यहाँ नीचे कॉर्नर में लिखा जाता है PTO, तो PTO। संडे, तो SUN। देन सेंटीमीटर को हम लिखते हैं CM। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उसको हम लिखेंगे VIP। VIP जो आप वर्ड सुनते हो ना, VIP एंट्री है, VIP लोग है, VIP, बहुत सारी जगह पे आपको VIP सुनने को मिलता होगा। तो उसका फुल फॉर्म तो होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और उसका शॉर्ट फॉर्म है VIP। देन है पब्लिक कॉल ऑफिसर, ऑफिसर। तो पब्लिक कॉल ऑफिस, सॉरी ऑफिस है, तो पब्लिक कॉल ऑफिस का क्या होगा? PCO। देन है पोस्ट इंडिया इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर।
तो पोस्टल इंडेक्स नंबर का क्या लिखेंगे? पी आई एन, तो सबका फर्स्ट लेटर लेना है पी आई एंड, तो इस तरह से आप लोगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा। फिर है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को हम जनरली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मैथ्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद पहला नंबर है जवाहरलाल नेहरू रोड, तो जवाहरलाल नेहरू रोड को हम क्या लिखेंगे? जे एन रोड। सो इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स, दिस स्पेलिंग्स, एंड देर आर मैनी ऑफ अदर ऑब्जर्वेशन इन आवर लाइफ। सो आपको इस तरह से इसको लिखना है और लर्न करना है, और इस तरह से आपको अपनी लाइफ में आपके आजू बाजू जो भी ऑब्जर्वेशन यानी शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं उसको लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।